Okay guys, now we will let's talk about some biotic agents. Abiotic agents, previous video clip में हम देख चुके हैं किस तरीके से विंड और वॉटर ये दोनों अबायोटिक एजेंट्स को यूज जो फ्लावर करते हैं उनके अंदर फ्लोरल अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं. नाउ इफ द फ्लावर इज गेटिंग पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स देन विच काइंड ऑफ फ्लोरल अडेप्टेशन दे आर हैविंग इन देम. सो इसमें सबसे पहले कैटेगरी आएगी एंटोमोफाइली. इफ द पॉलिनेशन इज बींग अचीव्ड बाई इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स के चलते पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे फ्लावर को एंटोमोफाइलस फ्लावर कहेंगे और प्रोसेस को एंटोमोफाइली कहेंगे. डेफिनेटली अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर रही हैं तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन विदाउट एनी रीजंस तो नहीं करेंगी. डेफिनेटली दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर फॉर सर्टेन रिवॉर्ड्स. तो क्यों और क्या चीजें फ्लावर में होनी चाहिए ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. फ्लावर शुड बी लार्ज, फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, फ्लावर शुड बी कॉन्स्पिक्यूस. अनलाइक विंड और वॉटर में हमने देखा था फ्लावर वर स्मॉल, फ्लावर वर नॉन अट्रैक्टिव एंड फ्लावर वर नॉन कॉन्स्पिक्यूस. नो, यहां पर ये तीनों चीजें रिवर्ट हो जाएंगी. डेफिनेटली यहां पर फ्लावर का लार्ज होना जरूरी है, फ्लावर का अट्रैक्टिव होना जरूरी है, फ्लावर का कॉन्स्पिक्यूस होना भी जरूरी है. जितना ज्यादा प्रोमिनेंट फ्लावर रहेगा उतना ज्यादा ही यू नो इंसेक्ट्स का अट्रैक्शन इन फ्लावर की तरफ रहेगा. देन फ्लावर शुड बी वेरी ब्यूटिफुल, इट शुड बी कलरफुल सो दैट इंसेक्ट्स अपने आप को रिपेल ही ना कर सके उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की के लिए. फ्लावर शुड बी वेरी वेरी फ्रेग्रेंट, बहुत ही अच्छी खुशबू उस फ्लावर की, फ्रूटी स्मेल होनी चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छी बेहतरीन इस फ्रेग्रेंस उस फ्लावर की होनी चाहिए ताकि अपने आप खींचा चला जाए कोई भी इंसेक्ट उसकी तरफ. लेकिन जाए क्यों, ताकि उसको वहां से जूस मिल सके. तो डेफिनेटली वहां पर अगर जूस प्रेजेंट होगा तो बिल्कुल फ्लावर को उससे यू नो अट्रैक्शन रहेगी कि मैं भाई क्यों जा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट जूस आउट ऑफ इट, राइट. तो फ्लावर की पेटल्स कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट और नेक्टर से भरी हुई होनी चाहिए. पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, पोलन ग्रेन शुड बी स्पाइनी एंड रफ विथ एग्जाइन, क्योंकि पोलन ग्रेन को बर्ड्स के बोल लीजिए या यू नो सॉरी इंसेक्ट्स की बात चल रही है, इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके विंग्स पर या उनके एंटीना पर या उनके लिम्स पर, मतलब उनके जो छोटे छोटे लेग्स हैं अपेंडेजेस हैं उनसे स्टिक उनको होना है. तो पोलन ग्रेन का रफ स्पाइनी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वे स्टिक नहीं होंगी. चाहे बीटल्स हो, चाहे यू नो कोई भी और अदर छोटे छोटे कीड़े हो, एंट्स हो, है ना, स्नेल्स हो, कोई भी ऐसा इंसेक्ट हो जो कि फ्लावर को पॉलिनेट करा रहा है, तो पोलन ग्रेन का कैसा होना जरूरी है. साथ में पोलन ग्रेन पर पोलन किट होनी बहुत जरूरी है. आप जानते हैं टेपटम द्वारा सिक्रीट हो रही थी पोलन किट, विच इज वॉज फील्ड ऑफ लिपिड्स, कैरेटेनॉइड, सम काइंड ऑफ यू नो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और इंसेक्ट्स को काफी इच्छा होती है इस पोलन किट को एज्यूम करने की, कंज्यूम करने की. तो टेपटम यहां पर पोलन किट रिलीज करेगा ताकि इंसेक्ट उसके अट्रैक्शन में इस पोलन ग्रेन को ले जाने की इच्छा रखे. वैसे भी पोलन ग्रेन काफी एडेबल होता है, पोलन ग्रेन काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है, राइट. ओके, तो इस तरीके से तो पोलन ग्रेन होना चाहिए. नेक्स्ट, इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो स्टिग्मा रफ स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए इस तरीके के फ्लावर्स में, ताकि जब भी कोई इंसेक्ट फीमेल फ्लावर पर बैठे तो अपने पोलन ग्रेन मतलब उस स्टिग्मा पर जो स्टिकी स्टिग्मा है उस पर चिपक जाए और लॉस्ट ना हो. फ्लावर ने कुछ अडेप्टेशन भी किए हैं, फ्लावर अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन भी क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंसेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. यहां पर मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि फ्लावर को किस तरीके से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना है. तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल आपके घरों में भी होगा, बोगेनवेलिया, आपने कभी बोगेनवेलिया का फ्लावर देखा है. आप जो एक्चुअली वो फ्लावर देखते हैं पिंक कलर की पेटल्स होती हैं, वो एक्चुअली पेटल्स होती ही नहीं है, वो होते हैं कलरफुल ब्रैक्स. ब्रैक्स मतलब दीज आर एक्स्ट्रा कलरफुल लीव्स विच कवर द फ्लावर, फ्लावर इसके अंदर होता है. ऐसे पिंक कलर के ब्रैक्स होते हैं और इन ब्रैक्स को हटाओ तो अंदर आपको स्टिग्मा और स्टाइल आई मीन स्टिग्मा और आपको स्टेमेन फिलामेंट दोनों भी देखने के लिए मिलेंगे.
तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं ब्रैक्स, लेकिन ये ब्रैक्स को बहुत सुंदर और कलरफुल बनाया है, तो कीड़े ज्यादातर इन ब्रैक्स की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। फ्लावर बहुत रिड्यूस होता है बुगेनविलिया का, फ्लावर अंदर की तरफ होता है और बाहर कुछ कलरफुल अपेंडेजेस के समान लीव होती है, उनको आप ब्रैक्स कहते हैं, ये बुगेनविलिया का अडेप्टेशन है। दूसरा एक एग्जाम्पल लिखिए वायोला। वायोला ने अपनी पेटल्स में कुछ मार्किंग्स क्रिएट की हुई है, ये मार्किंग्स जो बराबर नेक्टरी कहां पर है, नेक्टरी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को गाइड करती हैं। फिर ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स इसमें एक एग्जांपल है ऑफ्रिस। आपको याद होगा जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका जिक्र हुआ था कि किस तरीके से डिसीव किया जाता है फ्लावर द्वारा इंसेक्ट को। फ्लावर डिसीव, चीट करता है इंसेक्ट को, क्योंकि इस फ्लावर ने, ऑफ्रिस ने अपनी एक पेटल को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई कर लिया है कि पेटल ऐसी लगती है कि फीमेल की बॉडी हो। फ्लावर ने अपने एक पेटल को इस तरीके से मॉडिफाई किया दैट इट सीम्स टू बी लाइक अ फीमेल वेस्प, और मेल वेस्प को ऐसा लगता है कि ये मेरी फीमेल पार्टनर है, एंड मेल वेस्प गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल वेस्प। एक्चुअली इट वॉज नॉट अ फीमेल वेस्प, इट वॉज जस्ट अ मॉडिफाइड पेटल ऑफ ऑफ्रिस। तो मेल को चीट किया गया है यहां पर, मेल अपनी फीमेल के साथ कॉपुलेशन करने आता है जो कि ट्रू नहीं होती, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ट्रू नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो कॉपुलेशन। ये एक प्रकार का एक अडेप्टेशन है, फ्लोरल अडेप्टेशन, एक फ्लोरल एडवांटेज है फ्लावर का कि किस तरीके से मेल के द्वारा अपना पॉलिनेशन करवा लिया जाए। ये मेल आएगा और इसको पता चलेगा अरे यहां तो फीमेल बॉडी है ही नहीं, और ये यहां से पोलन ग्रेन उठा के ले जाएगा, दूसरे फ्लावर पर फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो नहीं गई मेरी फीमेल फ्लावर, और उस फ्लावर पे जाएगा, वहां पे भी फीमेल नहीं, लेकिन पोलन ग्रेन वहां पर लीव कर देगा। सी हाउ स्मार्ट दीज प्लांट्स आर ऑल्सो, दे ऑल्सो डिसीव एनिमल्स। फिर सेल्विया, फिग, यूका, दीज आर ऑल्सो सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेल्विया की एक बात बताती हूं मैं आपको कि सेल्विया क्यों, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इन पॉलिनेशन जब हम डिस्कस करते हैं। सेल्विया में बाईलोब्ड पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, और सेल्विया के केस में दो स्टेमेन होते हैं, दो स्टेमेन होते हैं, एक स्टेमेन नीचे की तरफ और एक स्टेमेन ऊपर की तरफ, लाइक दिस, जैसे कि एक ओपेंड लिब होता है। तो बाइलेबिएटी फैमिली का ये मेंबर है सेल्विया, और बाइलेबिएटी फैमिली की विशेषता होती है कि लिप लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोरोला, यहां पर आप देख सकते हैं कि पेटल्स का लीफ लिप लाइक अरेंजमेंट होता है। स्टेमेन भी दो ही हैं और दोनों का लिप लाइक अरेंजमेंट है। ऊपर वाला जो स्टेमेन है वो फर्टाइल है और नीचे वाला जो है वो नॉन फर्टाइल है। दो स्टेमेन है, ऊपर वाला फर्टाइल है, नीचे वाला नॉन फर्टाइल। जब कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा सेल्विया की तरफ और इस पर बैठने की कोशिश करेगा तो ज्यादातर टाइम क्या होता है, क्योंकि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म लग रहा है, आप देखिए ये ऊपर वाली पेटल है, ये नीचे वाली पेटल है, तो इंसेक्ट के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा, नीचे वाली पेटल, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा, धप, इट विल कम एंड सिट विद अ प्रेशर, और जैसे ये इंसेक्ट प्रेशर से बैठेगा ऊपर वाला जो फर्टाइल एंथर था वो ऐसे गिरेगा, प्रेशर गिरेगा ना, तो एक लीवर मैकेनिज्म यहां पर काम करेगा। याद रखिए लीवर मैकेनिज्म, जैसे इस वाले स्टेमन पर प्रेशर पड़ा तो ऊपर वाला नीचे की तरफ पुल हो गया, और जैसी पुल हुआ तो एंथर जैसी प्रेशर से फटा तो सारे पोलन ग्रेन इस कीड़े के बॉडी के ऊपर बैठ गए। आई थिंक वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, पुली सिस्टम क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो सेल्विया इस तरीके का अडेप्टेशन रखता है। हम बात करें फिग की, यका की, तो फिग के केस में जिसको फाइकस भी कहते हैं, आप जानते हैं एक इनफ्लोरेसेंस यहां पर पाया जाता है, शायद पहले भी कहीं पर मैंने बताया है कि फिग के केस में इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, हाइपेंथोडियम टाइप का एक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप जानते हैं अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स टुगेदरली ऑन अ वन स्टॉक कॉल्ड एस पिडंकल। इनफ्लोरेसेंस की डंडी को, स्टॉक को कहते हैं पिडंकल, जबकि एक फ्लावर के स्टॉक को कहते हैं पेडिसल। सो बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट एक साथ हो और एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट माना जाता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम अरेंजमेंट में क्या होता है, इस तरीके का आप स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए,
यहाँ पर बेस में होते हैं फीमेल फ्लावर्स, यूजुअली बेस में होते हैं फीमेल फ्लावर्स, और टिप पर होते हैं मेल फ्लावर्स, टिप पर होते हैं मेल फ्लावर. इट इज अ इनफ्लोरेसेंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फ्लावर्स. तो ये जो हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये यूनिक इन्फ्लोरेसेंस है, जहां पर मेल फ्लावर्स टिप पर होंगे, फीमेल फ्लावर्स बॉटम पर होंगी, और बीच में कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जो न्यूटर होंगे, ना मेल होंगे ना फीमेल होंगे. अब यहां पर एक ओपनिंग होगी, और जब कोई कीड़ा वैस्प, एक वैस्प का नाम बताती हूं, ब्लास्टोफेगा, ब्लास्टोफेगा नाम का वैस्प यूजुअली हाइपनथोडियम को क्रॉस पॉलिनेट कराता है. कैसे? जब ये वैस्प अंदर एंटर करेगा इस अपाइकल नॉच की मदद से, तो मेल को टच करते हुए जाएगा, तो मेल के पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, नेक्टर को चूसने के लालच से नीचे 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 चलता चला जाएगा, और फीमेल फ्लावर पर पहुंचते ही वहां से कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन तो फीमेल फ्लावर पर जरूर गिरेंगे, और इस तरीके से पॉलिनेशन होगा. ये वैस्प अपने एग्स अंदर ही छोड़ देगा, लार्वी पनपने लगेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारा नेक्टर, बहुत सारा नरिशमेंट उनको मिलेगा. ये लार्वी जब थोड़े छोटे छोटे फ्लाइज बनेंगे, तो ये फिर उड़ने की कोशिश करेंगे, और यहां से पोलन ग्रेन लेकर उड़ेंगे, और फिर किसी और हाइपनथोडियम में जाकर एंटर कर जाएंगे. इस तरीके से जो भी पॉलिनेशन एंटोमोफाइलस फ्लावर में होती है, इंसेक्ट्स को किस तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करें, ये अलग अलग टाइप के फ्लोरल अडेप्टेशंस ये फ्लावर जनरेट करते हैं. आई थिंक ये आपको बहुत क्लियर हो गया. एंटोमोफाइलस के बाद हम नेक्स्ट लेंगे कि किस तरीके से बर्ड से होने वाले फ्लावर में फ्लोरल अडेप्टेशन होते हैं. Now, last but not the least, two very important biotic agents which is included in our syllabus. One is through birds, the process is called ornithophily, and one is through bats, the process is called chiroptophily. अगर bird के through pollination हो रहा है, तो ऐसे flower को ornithophilous flowers कहेंगे. क्या क्या floral adaptations ornithophilous flowers में होंगे? Let's see. फ्लावर का अट्रैक्टिव होना यहां पर बहुत जरूरी है. फ्लावर ब्राइट कलर्ड होना चाहिए, ताकि बर्ड्स ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हों. बर्ड्स कैन हैव अ गुड विजन, दे कैन सी द कलर्स वेरी प्रोमिनेंटली. फ्लावर ब्राइट कलर्ड का होना चाहिए, लेकिन फ्लावर गुड स्मेली हो ऐसा जरूरी नहीं. फ्लावर को बहुत अच्छी खुशबू हो, ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं. बिकॉज बर्ड्स दे हैव पुअर ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये पॉइंट मैं स्किप कर रही, यहां पर लिखना मैं यहां लिख दे रही हूं, क्योंकि बर्ड्स में ऑल्फैक्टरी लोब काफी रिड्यूस्ड होते हैं. दे डोंट हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल. इसलिए फ्लावर में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जरूरी नहीं, लेकिन फ्लावर ब्राइट कलर्ड होना चाहिए. दूसरा, फ्लोरल पार्ट शुड बी थिक एंड फ्लैशी, क्योंकि यहां पर बर्ड की मदद से आप क्या करने वाले हैं, आप बर्ड की मदद से अगर पॉलिनेशन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके वेट को झेल पाए फ्लावर्स के फ्लोरल पार्ट्स. सो फ्लोरल पार्ट शुड बी क्वाइट थिक एंड क्वाइट फ्लैशी. फ्लावर के जो पेटल्स रहे वो कुछ फनल शेप की रहे, लाइक दिस. फ्लावर के पेटल्स कुछ फनल शेप की रहे, ताकि बर्ड्स अपनी बीक से जब नेक्टर को चूसने जाएं, तो इस फनल शेप फ्लोरल बॉडी के अंदर एंटर करती चली जाएं. तो ये भी एक बड़ा अच्छा अडेप्टेशन होता है. जनरली जितने भी ऑर्निथोफाइलस फ्लावर आपको मिलेंगे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख ले सकते हैं. सिल्क कॉटन ट्री का एग्जाम्पल फ्लावर है, बिग्नोनिया है, इनके फ्लावर्स की जो पेटल्स का अरेंजमेंट रहेगा वो कुछ फनल शेप रहेगा, राइट. देन शुगरी नेक्टर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही मीठा रस फ्लावर में से बर्ड्स को मिलना चाहिए, तभी बर्ड्स आएंगी, नहीं तो बर्ड्स वहां पर नहीं आएंगी. पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों भी स्टिकी होने चाहिए. बॉम्बेक्स, बिग्नोनिया एंड अगेव, दीज आर थ्री वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोफाइलस फ्लावर. वेयर एज वेन यू टॉक अबाउट चिरोप्टोफाइलस मीन्स द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स. And you know, bat is a nocturnal mammal. तो definitely bats जिसका body weight बहुत अच्छा है, और अभी तो आप बहुत ही bat से familiar हैं, क्योंकि corona आपने सुना है, bat के चलते corona आया है, ऐसा एक
अफवाह बोलिए या इट इज अ र्यूमर और इट इज अ फैक्ट, वट एवर. तो बैट्स तो हमारे दिमाग से अब निकलेंगी नहीं कभी भी. चिरोप्टोफाइली, बैट्स के चलते पॉलिनेशन होगा. टफ लार्ज साइज के फ्लावर होने चाहिए, फ्लावर काफी टफ काफी लार्ज साइज लेकिन डल कलर के रहने चाहिए. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फ्लावर बहुत कलरफुल हो, लाइक अनलाइक ऑर्निथोफाइलस फ्लावर, ये डल कलर क्योंकि नॉक्टर्नल है, रात को ब्लूमिंग ये फ्लावर्स होने चाहिए. फ्लावर में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होना चाहिए, एक जैसे रॉटन फ्रूट का एक ऑर्डर होता है, जब फल कोई सड़ जाता है तो कैसे एक रॉटन अजीब सी फ्रेग्रेंस आती है, ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होना चाहिए. और फ्लावर में भर के जूस होना चाहिए, फुली लोडेड विद नेक्टर, ताकि बैट उसको फूड कंज्यूम करने की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. स्टेमेन अबंडेंट होने चाहिए, पोलन ग्रेन एनॉर्मस बनने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्लोरल पार्ट्स डेफिनेटली. बैट का वेट आपको थोड़ा सा संभालना है तो स्ट्रॉन्ग फ्लोरल पार्ट्स होने चाहिए, जैसे कि एजेंसोनिया है, बहुनिया है, कदम का ट्री है. दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ चिरोप्टोफाइलस फ्लावर. सो विद दिस आई थिंक द आइडिया इज वेरी क्लियर कि नेचर में जो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी फ्लावर में, किसी प्लांट में, किसी एनिमल में होता है, तो डेफिनेटली उसके अडेप्टेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसी हिसाब से वहां पर डेवलप हो जाते हैं. मैंने कुछ अबायोटिक और कुछ बायोटिक एजेंट्स के अडेप्टेशन आज आपके साथ डिस्कस किए. आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड टिल डेट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, kindly subscribe my channel and press the bell icon button so that all the uploaded videos can send up to you. Till then, stay safe, stay healthy at home. All the best.